हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज। हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। हमें क्या निकालना है? हमें ये बताना है कि कितने ऑन टू फंक्शंस हैं फ्रॉम द सेट, इस सेट के अंदर 1 to 3 अप टू एंड टू इट सेल्फ, इसके इसी सेट से इसी सेट पर कितने ऑन टू फंक्शंस हैं। अब देखो, हर एक के लिए हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 to 3 अप टू एन टू इट्स सेल्फ इज सिंपली ए परमुटेशन ऑन एन सिंबल्स। तो ये हमारे पास कितने सिंबल्स के लिए? एन सिंबल्स के लिए परमुटेशन हो जाएगी कि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे हो जाएगी हमारे पास ऑन टू फंक्शंस के लिए। एन के लिए तो क्या बोल देंगे, दिस द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप्स फ्रॉम 1 to अप टू एन टू इट्स सेल्फ इज द सेम एज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन एन सिंबल्स। तो एन के लिए हो जाएगी 1 to 3 अप टू एन तक, विच इज एन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एन। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स दे रखे हैं तो कितने के लिए होगी? 3 हो जाएंगे। 4 है तो 4, और एन नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगी? एन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। लेट एस इज इक्वल टू ए बी सी एंड टी इज इक्वल टू 1 to 3। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ फ्रॉम एस टू टी। एस से टी पर हमें क्या बताना है कि एफ इनवर्स है इफ इट्स एग्जिट, क्या ये एग्जिट करता है या नहीं। एफ फंक्शन हमारे पास क्या है? ए 3, बी 2, सी 1। अब ए 3, बी 2 और सी 1 इसके लिए दे रखा है, तो हमें क्या बताना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है? देखो, s इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ए बी सी। एफ और t इज इक्वल टू 1 to 3 दे रखा है। हमने एक फंक्शन ड्रॉ कर लिया s टू t इज डिफाइन एज f a 3 दे रखा है, बी 2 दे रखा है और सी 1। हर एक का अलग अलग है। f ऑफ a रखेंगे तो 3 वैल्यू आ रही है, f ऑफ b रखेंगे तो 2 वैल्यू आ रही है, f ऑफ c रखेंगे तो 1 वैल्यू आ रही है। सभी के लिए अलग अलग है, तो क्या कर देंगे? देर फॉर एफ इनवर्स टी टू एस इज गिवन बाई एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालना है तो s से t था, अब क्या हो जाएगा? t से s हो जाएगा। अब जो हमने वैल्यू पुट की थी वो हमारे पास जो डोमेन थी वो रेंज हो जाएगी, जो रेंज थी वो डोमेन होगी। तो a 3 था, इसका क्या हो जाएगा? 3a चेंज कर देंगे, 2b हो जाएगा और इसका 1c हो जाएगा। इसी तरह सेकंड है, f ऑफ इज इक्वल टू a 2b 1c 1। अब फंक्शन हमारे पास क्या है? s टू t इज डिफाइन एज, फंक्शन दे रखा है a इज a 2b 1c 1। बट यहाँ पर फंक्शन ऑफ जब b की वैल्यू अप्लाई करते हैं तब भी 1 आता है, और c वैल्यू अप्लाई करते हैं तब भी 1 आता है, और दोनों पे जब a की वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन 1-1 नहीं है, और अगर फंक्शन 1-1 नहीं होगा तो फंक्शन क्या बोल देंगे? इन्वर्टेबल भी नहीं है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सिंस एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू, दोनों क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। एफ इज नॉट 1-1, एफ 1-1 नहीं है, तो एफ इज नॉट इन्वर्टेबल और एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम क्या बोल देंगे कि जो एफ है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या दे रखी है? कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। हमें एक बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर करना है, आर क्रॉस आर x टेंस टू r, r क्रॉस r से r पर होगा हमारे पास, एंड o एक ऑपरेशन o है जो हमारा r क्रॉस r टू r है, डिफाइन एज a क्रॉस b का मीनिंग, a स्टार b का मीनिंग क्या है? मोड ऑफ a माइनस b, एंड a o b का मीनिंग क्या है? इज इक्वल टू a, a ऑल a b बिलोंग्स टू r, शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। हमें प्रूव करना है कि जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। o इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। फर्दर शो दैट ऑल a b c बिलोंग्स टू r, a स्टार ब्रैकेट b o c इज इक्वल टू a स्टार b o ब्रैकेट a स्टार c, डज a डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। तो हमें करके दिखाना है, देखो कैसे। हमारे पास गिवन क्या है? स्टार है, उसके लिए क्या दे रखा है? आर क्रॉस आर टू आर, एंड ओ भी क्या दे रखा है? आर क्रॉस आर टू आर इज डिफाइन। ए स्टार भी क्या करता है? शो ए माइनस बी का मोड, एंड ए ओ भी क्या करता है? ए ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए माइनस बी, एंड बी स्टार ए निकालेंगे तो मोड ऑफ बी माइनस ए, और दोनों का अगर मोड देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बोल देंगे? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव। हमें ये प्रूव करना था कि स्टार कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव नहीं है, तो कॉम्यूटेटिव तो हमने प्रूव कर दिया कि स्टार कैसा है? कॉम्यूटेटिव। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है, इसको एसोसिएटिव प्रूव करना है। देखो, 11 स्टार
20, इसके लिए हमने 1, 2 और 3 के लिए प्रूव कर रहे हैं एसोसिएटिव, 1 star 2 star 3। अब मोड ऑफ 1 minus 2 और star 3, 1 minus 2 कितना आ जाएगा, -1 -1 का मोड क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और बाद में क्या star 3, 1 star 3 का मीनिंग क्या है, मोड ऑफ 1 minus 3, ये क्या आ जाएगा, -2 -2 का मोड क्या आएगा, 2। इसी तरह से फिर दूसरा हमने निकाल दिया 1 star 2 star 3, 1 star को एज इट इज़ रख लेंगे, 2 star 3 का क्या लिखेंगे, मोड ऑफ 2 minus 3। अब 2 minus 3 करेंगे, -1 -1 का मोड 1, तो क्या आ जाएगा, 1 star 1, 1 और 1 का स्टार क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 1 minus 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 आया, ये 0 आया, तो इक्वल नहीं है, तो क्या बोल देंगे, नॉट ए एसोसिएटिव। दूसरा हमारे पास हमने क्या किया, कंसिडर द ऑपरेशन स्टार ओ। अब हमने एक और ऑपरेशन दे रखा है हमारे पास ओ। ओ ऑपरेशन हमारे पास क्या है कि ओ ऑपरेशन में हमें दे रखा है कि नहीं भी, 2 नंबर पर जब हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा क्या देगा, वो फर्स्ट नंबर देगा। तो 1 ये ऑपरेशन लगा दिया हमने 1 और 2, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर 2 और 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, 2। क्यों, क्योंकि हमें जब ये प्रूव करना है कि कॉम्यूटेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a star b इज इक्वल टू b star a, तो इसी तरह aob इज इक्वल टू boa प्रूव करना है। बट ये तो इक्वल नहीं आया, यहाँ से ao 2 1 आया, 2o 1 क्या आया, 2 आया, बट ये नॉट इक्वल है, वेयर 1 2 बिलोंग्स करता है r से, ये क्या आ जाएगा, नॉट ए कॉम्यूटेटिव। दूसरा है abc, तीनों के तीनों बिलोंग्स करते हैं r से, aob oc। पहले aob oc लगाया तो aob से क्या देगा, ये वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू दे दी a oc, aoc से भी ये वैल्यू क्या देगा, a देगा, तो ये आ गया एज इट इज़। एंड ao ब्रैकेट boc, पहले ao को एज इट इज रख दिया, boc से क्या देगा, b दे देगा, aob क्या आ जाएगा, फिर से a आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, नाउ a star ब्रैकेट boc, ए स्टार और boc से जब हमने o लगाया तो क्या है, फर्स्ट वैल्यू देता है, यहाँ से क्या आई, b आ गई, a star b का मीनिंग क्या है, मोड ऑफ a minus b। इसी तरह से जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट में किया तो a star b o a star c, ए स्टार बी का मीनिंग क्या आएगा, a minus b, बीच में o आ जाएगा, और a star c का मीनिंग a minus c आ जाएगा। अब देखो इन दोनों पे जब हमने o लगा दिया तो o का मीनिंग क्या है, फर्स्ट देगा, तो o का मीनिंग ये हो गया कि फर्स्ट देगा, तो फर्स्ट क्या है, मोड ऑफ a minus b, दोनों इक्वल हो गई, तो क्या बोल देंगे कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, a star b o c इज इक्वल टू a star b o a star c। तो इसलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। नाउ 1 o 2 star 3, 1 o 2 star 3 का मीनिंग क्या है, 2 minus 3 का मोड, 1 o 2 minus 3 का मोड -1 -1 का मोड हो गया, तो 1 आ गया, तो 1 o 1 कितना आएगा, 1। इसी तरह जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 o 2 star 1 o 3, 1 o 2 से क्या आएगा, 1 आएगा बीच में स्टार, और 1 o 3 से क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 minus 1 कर देंगे क्योंकि स्टार है तो माइनस करना है, 1 minus 1 का मोड क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, ये नॉट इक्वल आ गया, जबकि हमारे पास ए 1 2 3 क्या थे, आर से बिलोंग करते थे, ऑपरेशन ओ डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए स्टार। तो हम क्या बोल देंगे, जो ऑपरेशन ओ है वो स्टार पर जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है एक्स, लेट स्टार हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू पावर सेट बी डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट से शो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। हमें ये प्रूव करना है कि जो एम्प्टी सेट फाई है वो आइडेंटिटी है किसके लिए, ऑपरेशन स्टार के लिए, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, और ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर है, पावर सेट में है, आर इन्वर्टेबल विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, और जो ए का इनवर्स है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आएगा। देखो गिवन दैट हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू पावर सेट इज डिफाइन, और ए स्टार बी क्या दे रखा है, स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट। ए हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो पावर सेट के अंदर है, ए बिलोंग्स टू पावर सेट से, और हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्टार आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि हमारे पास जो फाई है वो हमें बताना है कि वो आइडेंटिटी ऑपरेशन है स्टार के लिए। तो a star phi को जब हमने अप्लाई किया तो इसमें आ जाएगा a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, ए में से फाई को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा, और यूनियन एज इट इज़ फाई में से a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
फाइव आएगा, और ए और फाइव का यूनियन करेंगे तो दोनों में हमारे पास सभी एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो क्या आ जाएगा, ए। दूसरा क्या है, फाइव स्टार ए। अब हम इसको अपोजिट से करते हैं तो फाइव स्टार ए का मीनिंग क्या आएगा, फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव, वो भी ऐसे आएगा, फाइव में से ए को माइनस कर देंगे फाइव आ जाएगा, बीच में यूनियन ए में से फाइव को माइनस करेंगे ए आएगा, और फाइव और यूनियन कर देंगे ए का क्या आ जाएगा, वापस ए के इक्वल आएगा। तो हम क्या बोल देंगे, ए स्टार फाइव इज इक्वल टू फाइव स्टार ए, दोनों किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट, और जितने भी ए हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, पावर सेट से। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि फाइव इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन ऑपरेशन स्टार, जो फाइव है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, ऑपरेशन स्टार के लिए। नाउ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पावर सेट विल बी इन्वर्टेबल, तो हमारे पास ए एक ऐसा एलिमेंट है जो पावर सेट से, और वो कैसा है, इन्वर्टेबल है। इफ़ देयर एग्जिस्ट दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू फाइव एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू फाइव, की दोनों का अगर हम स्टार लगाएं तो किसके इक्वल आ जाए, फाइव के इक्वल आ जाए। नाउ ए स्टार ए, तो अब हम लगा के देखते हैं, ए स्टार ए, ए स्टार ए क्या आ जाएगा, ए माइनस ए फाइव, ए माइनस ए, ए में से ए को नेगलेक्ट कर देंगे क्या बचेगा, फाइव, इसमें से कर देंगे फाइव, और फाइव और फाइव का यूनियन क्या आएगा, फाइव। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पावर सेट आर इन्वर्टेबल विद ए इनवर्स, क्योंकि इस पर आइडेंटिटी था तो इसका सेम से कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स इन्वर्टेबल आ गया, और ए का इन्वर्स है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इफ हमारे पास दो कंडीशन दे रखी हैं कि ए और बी की वैल्यू पे ए प्लस बी फंक्शन होगा, कब होगा, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 6 होगी, और ए प्लस बी माइनस 6 होगा कब, जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 6 होगी। शो दैट 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर द दिस ऑपरेशन, हमें प्रूव करना है कि 0 एक आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन के लिए, एंड ईच एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0, और हर एक एलिमेंट ए है जो वो नॉट इक्वल टू 0 है। ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल विद 6 माइनस ए बींग द इनवर्स ऑफ ए, और जो 6 माइनस ए है वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। देखो हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3 4 5, ए स्टार बी का क्या दे रखा है ऑपरेशन, ए प्लस बी इफ ए प्लस बी लेस देन 6, और ए प्लस बी माइनस 6, ए प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। एन एलिमेंट ई, हमारे पास एक एलिमेंट ले लिया ई जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने क्या लिया, ई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है एक्स से, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए कब है, जब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आ जाए, और ई स्टार ए है वो भी किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तभी तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम करते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स, ए और एक्स को बिलोंग कर, ए को कर रहे हैं हम, ए बिलोंग्स टू एक्स, ए हमने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो एक्स में से है, तो ए स्टार ज़ीरो, ए स्टार ज़ीरो पे जब हमने अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ज़ीरो आ जाएगा, ए प्लस ज़ीरो में क्या है, इज इक्वल टू किसके आएगा, ए के इक्वल आएगा, और ए बिलोंग करता है एक्स से, ऑल ए प्लस ज़ीरो लेस देन 6, क्योंकि ए प्लस ज़ीरो कर देंगे ए आ जाएगा, और वो क्या है, लेस देन 6 है। ज़ीरो स्टार ए, जीरो स्टार ए को करेंगे तो जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू एक्स, जीरो प्लस ए आ जाएगा वो भी लेस देन 6 है। तो ए स्टार ज़ीरो और जीरो स्टार ए दोनों किसके इक्वल आए, ए के इक्वल आए, तो क्या बोल देंगे, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन ऑपरेशन स्टार, स्टार के लिए हमारे पास कैसा ऑपरेशन, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑपरेशन, एन एलिमेंट ए। अब हमारे पास एक एलिमेंट है ए, बिलोंग करता है एक्स से, वो कैसा हो गया, इन्वर्टेबल। इफ़ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, फिर हमारे पास क्या ले लिया कि बी बिलोंग करता है एक्स से, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू जीरो, और बी स्टार ए है वो भी इक्वल टू जीरो आ जाए, कैसे आएगा ये, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, इफ़ ए प्लस बी लेस देन 6। इसी तरह ए प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो और बी प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, दोनों कंडीशंस लेके चल पड़े। बट x हमारे पास क्या, 0 1 2 3 4 5 एंड a भी है वो बिलोंग करता है x से, देन a नॉट इक्वल टू माइनस बी, और a है वो माइनस बी के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस a आ जाएगा, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस a आ जाए, इसको उधर लेके गए प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, इज द इनवर्स ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x, तो ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया किसका, a का।
हैंस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एक्स, ए नॉट इक्वल टू जीरो इज सिक्स माइनस ए, आइदर ए इनवर्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस ए। तो इसका इनवर्स हमने क्या प्रूव कर दिया है कि सिक्स माइनस ए इसका इनवर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास एक सेट दे रखा है माइनस वन जीरो वन एंड ए टू, एंड बी इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू जीरो और टू, एंड एफ ऑफ जी, एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है, सच दैट ए टू बी, बी द फंक्शंस डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स, फंक्शन क्या दे रखा है एक्स स्केयर माइनस एक्स है और एक्स है वो बिलोंग करता है ए से, जी एक्स है वो क्या है टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू का मोड माइनस वन और एक्स बिलोंग करता है ए से, आर एफ एंड जी इक्वल, और एफ और जी कैसे हैं इक्वल हैं, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे। देखो गिवन में हमारे पास क्या a इज इक्वल टू, ये फिर सेट दे रखा है, b इज इक्वल टू सेट दे रखा है, अब हमारे पास क्या है, सो इट इज़ गिवन दैट f ऑफ g है वो a से b पर है, आर डिफाइन बाई एफ एक्स हमारे पास क्या x स्केयर माइनस एक्स है और x बिलोंग करता है a से, और जी एक्स हमारे पास क्या है टू मोड ऑफ x माइनस वन बाई टू मोड ऑफ माइनस वन, x बिलोंग्स टू a। अब इसके अंदर वैल्यू अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ माइनस वन, माइनस वन अप्लाई कर दिया तो माइनस वन का स्केयर माइनस माइनस वन, माइनस वन का स्केयर प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। दूसरा है जी ऑफ माइनस वन, जी ऑफ माइनस वन पुट किया तो क्या आ जाएगा टू आ गया, वन प्लस एक्स की जगह मैंने वन पुट कर दिया, वन प्लस वन बाई टू मोड माइनस वन, टू एज इट इज़ वन प्लस वन बाई टू क्या आएगा थ्री बाई टू, माइनस वन इससे ये कैंसिल, थ्री में से बन जाएगा टू, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। क्या लिख देंगे, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वन। इसी तरह जब हम एफ की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, क्योंकि सभी वैल्यू चार वैल्यू चारों की चारों पुट करके दिखाएंगे, एफ ऑफ जीरो जब हमने जीरो अप्लाई किया तो जीरो का स्केयर माइनस जीरो क्या आएगा जीरो आएगा, जी के अंदर जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन बाई टू है तो मन माइनस वन बाई टू का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, टू इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, वन से वन कैंसिल जीरो, ये भी दोनों इक्वल आ गई। फिर एफ की वैल्यू हम वन पुट करेंगे, वन माइन वन का स्केयर वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, फिर जी ऑफ वन, वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू आ जाएगा, और टू इंटू वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। फिर थर्ड हमारे पास क्या है, टू है, टू पुट करेंगे एफ ऑफ टू, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू आ जाएगा, क्योंकि टू का स्केयर था ना यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा टू, टू माइनस वन बाई टू माइनस वन, टू में से वन बाई टू माइनस कर देंगे थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, थ्री में से वन गया टू, ये भी इक्वल आ गए। तो क्या बोल देंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और जितने भी ए हैं वो सभी ए से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग वन टू एंड वन थ्री, और जो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस है वो कहाँ से कहाँ तक कंटेनिंग है, वन टू और वन थ्री, विच आर रिफ्लेक्सिव, जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। ए हमारे पास क्या है, वन टू थ्री, रिलेशन कंटेनिंग वन टू और वन थ्री विच इज़ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, हमें ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना है, वन वन टू टू थ्री थ्री, और सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना है, वन टू उसका अपोजिट हो गया टू वन, वन थ्री उसका अपोजिट हो गया थ्री वन। अब देखो वन वन टू टू थ्री थ्री ये हमारा किससे बिलोंग करता है, आर से, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या दिखा दिया, वन टू टू वन बिलोंग करते हैं आर से और वन थ्री थ्री वन भी बिलोंग करते हैं आर से, सिमेट्रिक हो गया। तो हमारे पास वन टू भी बिलोंग करता है और टू वन भी, इसी तरह ये बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास ये बताना था हमें कि कितने हो सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या आया, वन, के हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं वन, इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस वन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, द नंबर ऑफ इक्विलेंस रिलेशन कंटेनिंग वन टू इज, और जो वन टू है वो कंटेन करता है किससे। देखो ए हमारे पास क्या दे रखा है, वन टू थ्री, और उसी के अंदर एक एलिमेंट क्या करना है, इक्विलेंस रिलेशन है, और उसमें क्या होना चाहिए, वन टू होना चाहिए बस। ए हमारे पास दे रखा है स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन, छोटे से छोटा इक्विलेंस रिलेशन बना दिया हमने जिसके अंदर वन टू है, आर वन वन हो गया, टू टू हो गया, थ्री थ्री हो गया, टू वन हो गया और वन टू हो गया, ये एलिमेंट्स लेके चल पड़े हम इक्विलेंस रिलेशन के लिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली
फोर पेयर से। अब देखो 1 2 होना हमारे पास ज़रूरी था, तो 1 2 ले लिया और इसका हमने अपोजिट भी ले लिया, 2 1 आ गया। अब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट पेयर और बचते हैं, 4 पेयर्स और बचते हैं, कौन कौन, 2 3 3 2, 1 3 और 3 1 बच गया। ये हमारे पास 4 पेयर बचते हैं। इफ़ वी एड एनी पेयर, अगर हमने मान लिया 2 3 जो पेयर है उसको और ऐड कर देंगे, तो हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, 3 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रूव करना हो जाएगा, फिर 2 R1 देन 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा, आल्सो 4 ट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 3 को ऐड करना है, तो उसके साथ साथ 3 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। हेंस द ओनली इक्विवेलेंस रिलेशन बिगर देन R1। तो हमने क्या बोल दिया कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है बिगर देन R1, R1 से बड़ा इन द यूनिवर्सल रिलेशन, वो कैसा होगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स होंगे। देन द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज 2। तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कितने एलिमेंट आ जाएंगे जिसके अंदर 1 2 कंटेन करता है, इज 2। एक तो हमारे पास जो हमारे पास है ये निकाल दिया, एक और जब हम इसका बड़े से बड़ा निकालेंगे सभी को ऐड करेंगे, वो हो गया 2 आ गए हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लेट एफ ओ सच दैट R2R बी द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल तीनों के लिए कंडीशंस होती हैं, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए कंडीशंस होती है, उसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। डिफाइन एज 1 हमारे पास क्या, ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 के x इज इक्वल टू 0, -1 जब x लेस देन 0 होगा। एंड जी हमारे पास क्या, R2R बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, देन डज एफ ओ जी एंड जी ओ एफ कंसिडर इन 0 1। 0 1 के लिए हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है। इट इज़ क्लियर दैट जी ओ एफ आर टू आर एंड एफ ओ जी आर टू आर कंसिडर कर लिया हमने, x हमने क्या ले लिया 1 2। क्यों, क्योंकि कंसिड इन 0 1, 0 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 0 1 के बीच में लाई करना है तो क्या ले लिया 1 बाई 2, x की वैल्यू हमने 1 बाई 2 ले ली, विच लाई ऑन 0 1, जी ओ एफ 1 बाई 2। जी ओ एफ 1 बाई 2 अप्लाई किया, जी ओ एफ के लिए 1 बाई 2, एफ ऑफ 1 बाई 2 कितना आ जाएगा कि फंक्शन के अंदर हम 1 बाई 2 वैल्यू करेंगे, 1 बाई 2 क्या आएगा, मीन्स 0 से लेस है, तो 0 से लेस के लिए हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, 1, जी ऑफ 1 आ गया। और जी ऑफ 1 के लिए जब हमने वैल्यू निकाल ली, तो जी ऑफ 1 के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, मोडो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, और 1 है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, वो हमेशा कंप्लीट वैल्यू देगा 1। एफ ओ जी 1 बाई 2, एफ ओ जी के लिए अप्लाई किया, एफ ऑफ जी 1 बाई 2, एफ ऑफ को बाहर रख लिया, जी ऑफ 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 को हम क्या रख सकते हैं, जी ऑफ रख दिया हमने 1 बाई 2, इन्होंने दे रखा लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू के लिए ले लिया हमने 1 बाई 2 आ गया, एफ ऑफ 1 बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई 2 दे रखा है, 1 बाई 2 हमारे पास क्या आ गया, 0 से लेस में आ जाएगा, तो इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ 0 आ गया, 0 के इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी इन इसे इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं है, तो नो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ डोंट कंसिड इन इसके अंदर कोई भी ऐसा, इस इंटरवल के अंदर कोई भी एफ ओ जी और जी ओ एफ है वो लाइन नहीं करता। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर 10 16 20 और 8। ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी, और बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे पास सबसेट्स पे डिपेंड करता है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, ए ए, ए बी, बी ए और बी बी, कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 आ गए। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना आया, 4 आ गया। नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये थी हमारी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।